गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बुरासे हे रूप दुर्गत जनै दयावलोकै हे भट्ट जुग्म सुमतीरि रघुनाथ दास श्रीजीव मिकुरुत मंद मतीरि दयांग बरात। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। हरे कर जोर करी बोलो बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्रीधाम ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते अभी जिस स्थान पर उपस्थित हुए हैं ये स्थान का नाम है टेर कदम। ये गुरु जी का अत्यंत अत्यंत प्रिय स्थान है। गुरुदेव संपूर्ण ब्रज मंडल में सब लोगों को जो निमंत्रण कहीं दे नहीं दे लेकिन गुरुदेव जरूर कहा करते थे ये टेर कदम पे सबको आने का है। गुरुदेव सबके सब आने के लिए बोले क्यों बोले जो गुरुदेव है कौन है गुरुदेव का जो नित्य स्वरूप है वो रमण मंजरी। रमण मंजरी होने का नाते यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी ये कौन है श्री रूप मंजरी। बोले जब तक इनकी अनुगत्य को कोई स्वीकार नहीं करे तब तक राधा कृष्ण के निकुंज लीला में किसी का प्रवेश है नहीं। इसलिए हमारे जितने गोस्वामी लोग हुए हैं वो सब के सब श्री रूपानुगत्व की प्रार्थना की है। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं वो क्या कहते हैं बोले सुनी आछी साधो मुखे बोले सर्व जान श्री रूप कृपाए मिले युगल चरण। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जब तक श्री रूपानुगत्य को कोई ग्रहण नहीं करते हैं तब तक युगल चरण जीव को प्राप्त नहीं हो सकता है। श्री नरतमदास ठाकुर वो भी कहते हैं रूप रघुनाथ पदे राहु कुमार आस प्रार्थना करे सदा नरोतमदास। वो भी कहते हैं हमारी आस कहाँ पर रहे बोले रूप रघुनाथ पद में। बोले श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी वो भी हर अध्याय का लास्ट में एक ही बात कहते हैं रूप रघुनाथ पदे रहो मर आस चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। ये जितने गोस्वामी हुए सब के सब श्री रूपानुगत को ही प्रार्थना किया। बोले भैया क्यों ये सब के सब श्री रूपानुगत को प्रार्थना क्यों करते हैं बोले कारण है जब तक इनकी कृपा नहीं होना तब तक राधा कृष्ण की जो जुगल सेवा में जीव को परिपूर्ण रूप में जीव का प्रवेश नहीं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आकर के जो अनर्पित चरिन चिरात प्रेम को जो प्रेम ब्रह्मा का एक दिन पहले एक बार दिया था ब्रह्मा के एक दिन को बाद में जो अनर्पित चरिन चिरात प्रेम को प्रदान करते हैं राधा रानी की चरण की जो सेवा को प्रदान करते हैं केवल इनकी कृपा होने पर इनकी अनुगत्य को स्वीकार करने पर तभी प्रवेश हो सकता है नहीं तो इनका प्रवेश नहीं। इसलिए रूपानुग वर्ज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ये विलाप कुसुमांजलि ग्रंथ ये अद्भुत ग्रंथ। इसलिए प्रभुपाद कहते थे भैया जो अगर कोई जो गौड़ीय वैष्णव है ना जरूर उनको ये विलाप कुसुमांजलि उनको पूरा वो कहते थे पूरा श्लोक को याद करो प्रभुपाद कहते थे। वो प्रभुपाद कुछ विशेष ग्रंथों को उल्लेख करते थे अगर तुम गौड़ीय वैष्णव हो इस ग्रंथों को जरूर याद करो और जरूर ये ग्रंथों को पढ़ो ये ग्रंथों को पढ़े बगैर कहते हम जो रूपानुगत्व महाप्रभु को धारा में हम जो आए हैं ये महाप्रभु धारा में जिसको रूप गोस्वामी कहते नम महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुष नम। महाप्रभु केवल वदान्य नहीं महाप्रभु महा महाबदान्य महाप्रभु। वो क्यों इनको रूप गोस्वामी ने महाबदान्य बताए जब तक ये विलाप कुसुमांजलि रघुनाथ दास गोस्वामी ग्रंथों को अध्ययन नहीं करते हो
तब तक आप समझ नहीं सकते हो। इसलिए जैसे हम ठाकुर जी के चरण में एक एक पुष्प को अर्पण करते हैं, उसी तरह श्री रघुनाथ दास गोस्वामी एक एक श्लोक को उन्होंने एक एक पुष्प रूप में श्री किशोर जी के चरण में श्री राधा के बोले यानी श्री राधा रानी के चरण में एक एक पुष्प को वो प्रदान करते हैं। इसलिए कहते हैं बोले प्राण पृष्ट सखी कुलाद विकील असंकच को भूमिका, कहते जिस लीला में जो ललिता विशाखा आदि भी जिस लीला रस में प्रवेश करने के लिए वो कुंठा बोध करते हैं, अगर ई रूपा अनुगत को कोई ग्रहण करते हैं वो लीला में आसानी से प्रवेश करते हुए श्री राधा कृष्ण की जुगल सेवा की निकुंज सेवा की अधिकार प्राप्त होता है। इसलिए ये गुरुपाद पद्म की ये अत्यंत अत्यंत प्रिय स्थान श्री तेर कदम है। कहते इस स्थान का नाम तेर कदम काम नाम क्यों पड़ा है, इसका कारण बताए, इसका दो गुरुदेव दो कारण बताया करते थे। यहाँ पर तेर मतलब होता है बुलाना, कृष्ण यहीं पर नंदगांव है, कृष्ण यहीं पर छठीगरा में तो उन्होंने छोटे छोटे बछड़े को उन्होंने चराए, लेकिन जब वही बछड़े बड़े हो गए अभी कृष्ण के बगैर वो जाना नहीं चाह रहे। इसलिए यहाँ पर आज जो तिथि है, आज का नाम गोपाष्टमी तिथि है, इसी तिथि में आज का दिन ही है, आज का दिन ही कृष्ण अपना ग्वाल बालों को साथ में यहीं पर कृष्ण गोचारण करने के लिए आते थे, और गोचारण कर आकर के यहीं पर उन्होंने गैया को यहीं पर छोड़ देते थे, छोड़ करके कृष्ण सखाओं को साथ में यहीं लीला करते थे। जब जाने का समय होता था उसी समय में जैसे हम एक माला जप करते हैं ना, कृष्ण के पास में भी एक माला था, हम तो भगवान का नाम जप करते, भगवान किसका नाम जप करते हैं, भगवान भक्तों का नाम जप करते हैं। इसलिए कृष्ण एक एक मोती से एक एक गुरु को देखो ना, यहाँ पर महाराज जी ने बड़े सुंदर कामरी कारी धमरी धूल तरह तरह का वहां पर गैया भी उन्होंने महाराज ने बनाया है, इसलिए बड़े सुंदर सुंदर यहीं पर कृष्ण बुलाया करते थे और मोती को देखते थे कौन सा ग्रुप का गैया आया और नहीं आया। जब कृष्ण देखते थे ये गैया नहीं आई, फिर कृष्ण वृक्ष के ऊपर जाकर के टेर टेर मतलब होता है बुलाना, धवली श्यामली कृष्णा जोर जोर करके टेर टेर मतलब होते बुलाना। जब बुलाया करते थे वो गैया पूछ खड़े करके यहीं पर आकर के उपस्थित होते थे यहीं पर। कभी कभी कृष्ण यहाँ पर कदम वृक्ष को तीर में तो गैया को बुलाया करते थे, बोले रात को किसको बुलाते थे, बोले रात में यहीं पर वृक्ष में चढ़ करके जगो कलो बाम दृशा मनोहरा, यहीं पर उन्होंने वृक्ष को पर चढ़ कर क्लिंग शब्द को उच्चारण करते थे। जब उच्चारण करते थे जगो कलो बाम दृशा मनोहरा है का ला ई चंद्र और बिंदु, ये क्लिंग अक्षर को उच्चारण करते थे। लेकिन राधा रानी क्या सुनती थी, ये बंसुर से केवल राधे 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 नाम आ रहा है। ललिता क्या सुनती थी, बंसुर से केवल ललिता 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 का नाम आता था। इसलिए कृष्ण यहीं पर रात में यहाँ पर रास भी कृष्ण यहीं पर करते थे। और ये जो स्थान उधर है नंदगांव और इधर है जाबट, कहते श्री मैया जसोदा हाँ मैया जसोदा जाबट से श्रीमती राधा रानी को बुलाए करती थी रसोई बनाने के लिए। और राधा रानी जब सखियों को साथ में इधर से होते हुए चलते थे, इतने में कृष्ण सखाओं को साथ में यही होते थे और गैया का जो स्तन है ना, वो स्तन को ऐसे पकड़ करके दूध को जो धार को राधा रानी का मुंह में मारते थे, मारने पर राधा रानी का मुंह एकदम दूध दूध में राधा रानी का मुंह भर जाती थी। अभी राधा रानी को साथ में तो कृष्ण, कृष्ण को साथ में राधा की शादी नहीं हुई। हमारे संस्कृति क्या कहता है, जब तक किसको शादी नहीं करो ना उसका देख नहीं सकते, अधिकार तुम्हारे नहीं। इसलिए राधा रानी क्या करती थी, जान बूझ करके गले की जो हार को जो मोती के हार को तोड़ देती थी, तोड़ करके नीचे बिखर जब जाती थी राधा रानी एक एक कर उठाती थी और श्याम सुंदर को मुंह को दर्शन करती थी और उठाती थी और कृष्ण का मुख को दर्शन करती थी। यही पर ही श्री रूप गोस्वामी जब यहीं पर भजन करते थे, भजन करते करते सनातन गोस्वामी रहते थे पावन सरोवर में और रूप गोस्वामी रहते थे यहीं पर। इसलिए कभी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के पास में, सनातन गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी को पास में आते थे, आकर के यहीं पर हरि चर्चा करते थे। एक दिन हरि चर्चा करते 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 कथा में इतने डूब गए अभी श्री रूप गोस्वामी चिंता कर रहे हैं, सनातन गोस्वामी बड़े दिनों में आए हैं, बड़े भैया उनको कुछ खिलानी चाहिए। बोले भैया उनको खिलाए किए,
कहते उनको खीर बहुत प्यारा है, हैं? अभी इनके मन में इच्छा होगी खीर खिलाने का। ये घनाघोर जंगल आज से कितना साल, 500 साल पहले, यहाँ पर तो अभी भी देख रहे हो यहाँ घनाघोर जंगल, उस समय तो केवल नंदगांव में 2-3 परिवार और कुछ पर कोई यहाँ पर नहीं थे, और ये घनाघोर जंगल में उनकी इच्छा को कौन पूरी करेगा। इतने में राधा रानी स्वयं एक छोटी बालिका बन करके, श्री राधा रानी स्वयं वहां पर दूध खीर चावल मिश्री और सुंदर सुंदर वस्तु लेकर के यहाँ पर आ गई। आ करके बोले बाबा बाबा लो उसको आप लोग बना करके अब प्रसाद पा लेना। इतने में लेकिन भगवत कथा में इतने तन्मय, भगवत कथा में इतने डूबे हुए थे, इनकी कथा ही समाप्त नहीं हो है, इनकी कथा ही समाप्त नहीं हो रहा है। इतने में राधा रानी ने देखा भैया इनकी कथा ही नहीं समाप्त हो रही है। फिर राधा रानी घूम फिर करके फिर राधा रानी आती है, क्यों जो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जो कथा को चर्चा करेंगे, क्योंकि वो रूप मंजरी और लवंग मंजरी ये जो कथा चर्चा किसकी करेंगे, वो साधारण कोई कथा को चर्चा नहीं कर सकते हैं। वो तो राधा कृष्ण की प्रेम युक्त कथा को, राधा कृष्ण के मधुर मधुर कथा को, जैसे वेणु गीत है, जुगल गीत है, भ्रमर गीत है, हाँ जो रासलीला की जो कथा है, और बड़े बड़े सुंदर सुंदर भागवत की जो निगम कल्प तरूर गलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम पीवत भागवतम रसमालयम मुहुर रसिका भवि भावुका जन्मादस्य जतः, वो तो अति सुंदर सुंदर कथा को वर्णन करेंगे। इसलिए गुरुदेव कहते थे कौन सा श्लोक होगा, माधव महाराज आपको बोलेंगे, कहते जो जन्मादस्य जो श्लोक है, जो सत्यम परम धीमहि, वो परम सत्य कौन है, बोले कृष्ण है। लेकिन विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते नहीं, परम सत्यम कृष्ण नहीं, वहां जो परम शब्द है श्री राधा जी का नाम को सत्यम परम मतलब होता है, कृष्ण की जो लादनी शक्ति पराशक्ति श्री राधा रानी की कथा को यहाँ पर विवेचना करते थे। अभी राधा रानी कथा सुन करके थोड़ी रह सकती हैं, इसलिए राधा रानी कहाँ रहती है, जहाँ पर उनकी मत भक्ता जंत्र गायक थी तत्र तिष्ठा भी नारद ठाकुर, तो वहीं पर जहाँ पर उनकी कथा हो। अभी राधा रानी को फिर रहा नहीं गया, फिर राधा रानी फिर घूम फिर करके फिर राधा रानी आ जाती है, बोले बाबा बाबा तुम आपस में हरि चर्चा करते रहो, मैं खीर बना देता हूँ। राधा रानी तो सर्वलक्ष्मी भाई कंडा धराया सुंदर एकदम चकाचक खीर बना करके, बोले बाबा प्रसाद पा लीजियो, बोले हाँ तुम चिंता मत कर तुम जाओ हम प्रसाद पा लेंगे। इतने में जब कथा समाप्ति में ठाकुर को भोग लगाए और खीर जब श्री सनातन गोस्वामी को दिया ना, जब सनातन गोस्वामी खीर खाए, जिंदगी में तो बहुत खीर खाए हैं, लेकिन जो खीर को स्वयं अमृत हस्ता स्वयं राधा रानी बनाई, फिर भोग किसने दिया, बोले श्री रूप मंजरी ने, बोले भोग दिया किसी को, बोले कृष्ण का जो भोग देते हैं वो भोग साधारण नहीं और बनाया साधारण व्यक्ति नहीं, फिर तो उसमें अलग स्वाद है। सनातन गोस्वामी खा करके उनका रोम रोम खिली उठा, आंखों से आंसू की, हाँ बाबा आ गए हैं, ले जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ महाराज जी, अरे राधा रानी को पकड़ो, बोले श्रीमती राधा रानी की, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री रूप गोस्वामी की, बोले श्री सनातन गोस्वामी की, अरे राधा रानी की, राधा रानी की लेकर के आ गई है, दही में चीरा बिस्ते हैं, जल्दी जल्दी आ जाओ, खूब जल्दी आ गया, और थोड़ा बंसरी बजा दो, आप ही बजा देंगे, हम योग करते हैं, टेर 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 लगा दो, बोले श्रीमती राधा रानी को महाराज लगा दो। इसलिए श्री सनातन रूप गोस्वामी को पूछे, बोले तुमने कुछ सोचा था, बोले हमने सोचा था बड़े दिनों में आए हो आपको कुछ भोजन करानी चाहिए, बोले रूप ये घनाघोर जंगल में कौन तुम्हारी बात को समझे और कौन ये खीर बनाए, वो और कोई नहीं वो श्रीमती राधा रानी, कहाँ राधा जी की सेवा करनी चाहिए और कहाँ राधा रानी उल्टा आकर के हमारी सेवा करके गए, कभी ऐसे सोचना नहीं। इसलिए यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर रूप गोस्वामी बड़े सुंदर सुंदर ग्रंथ यहीं पर लिखे, जब कोई
विरह के ग्रंथ लिखते थे, गुरुदेव कहते थे पता अपनी आप सूख कर गिर जाते थी। जब कोई मिलन की कथा लिखते थे अपनी आप वृक्ष में नए नए कोमल कोमल हरे हरे पत्ते आ जाते थे। उनका लिखन के अंदर में इतने अद्भुत, इसलिए यह हमारी गौड़ीय वैष्णव का अत्यंत अत्यंत प्रिय स्थान। ये जो महाराज गोपी को देख रहे हो खड़े हैं, ये जो गोपी को इन्होंने ही बहुत संघर्ष करके यहाँ पर, पहले जो बाबा होते थे ना आकर के थोड़ी पैसा मिल गया तो मार कर चले जाते थे, लेकिन ये बाबा बड़े संघर्ष करते हुए इन्होंने ये जगह को इतना सुंदर रूप में बाबा ने बनाया। लेकिन बाबा जी से एक प्रार्थना है, जब हम अगली बार आए ना, जैसे कुंज में बैठते थे, वो कुंज में गुरुदेव वहीं पर बैठते थे, क्योंकि वो बड़े सुंदर वृक्ष है, वहां पर बैठ तो बड़ा अच्छा लगता है जैसे कुंजों को अंदर में, इसलिए बाबा से प्रार्थना है, इसलिए बाबा अगली बार जैसे उसका अंदर में हमें बैठने का सुजोग दे। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। महाराज जी ने अरे ऋषिकानंद प्रभु एक किछु पकोड़ा नहीं आसो, एरा भूखे हैं। हाँ अरे ग्वाल बांगना सब हमारे गुरु आ गया, सब गुरु लाला लाली। यहाँ का टेर जो अभी सिद्धार्थ मास के बाबा एक टेर लगा दो, हम एक टेर लगा देंगे, बुरा हो गया ना, ज्यादा कथा और आवश्यकता नहीं है। यहाँ कन्हैया जब आते हैं, आप लोग सुना है ना, गौ को टेर लगाए, कैसे लगाए, तबली समली लाली के अमनी आवाज हियो मने सब आ जाओ। तो अभी यदि अमिताभ बच्चन हियो करे ना, गौ माता नहीं आएंगे, अभी अभी कौन आएंगे, भैंसा। इसलिए ज्यादा एक्टर नहीं बनना चाहिए। गोपियों यहाँ जब गुप्त एक था गोपी है, तो हम अभी भी इसीलिए दाढ़ी ढक के रख दिया, हम गोपी नहीं है दाढ़ी बाबा जो सो, तो उसमें हर गोभी वो भी आवाज लगाते धबली उन हम्बो समली हम्बो लली कुमकुमी हम्बो। जो सो हमारा सब पूज्यश्री नारायण गोस्वामी महाराज के हाथ में अभी भी यहाँ ये जो पेड़ है, हम जब पेड़ लगाए थे उसमें उन्होंने यहाँ पधारे, उनका हाथ से एक पेड़ लगा है, महाराज से हमारे हृदय में अभी भी बैठे हैं, उनको आदेश किया उन्होंने लगा दिया, उन्होंने जब तक यहाँ तो है, लेकिन पेड़ सरूम में भी हम उनको देख रहा हूँ, आज भी यहाँ खीर बंद है। अरे ऋषिकानंद सब हमारे सब महाराज गण आए ग्वालियर फूके हैं, लो सिद्धार्थ महाराज ये बड़े मोटा ज्यादा खावे, हाँ मोटा गोपिया गोप ऑल टाइम हैप्पी, इसे सब मुट्ठी मुट्ठी हो जाओ, ये सिद्धार्थ महाराज के भक्ति। तो यहाँ आज भी ठाकुर जी आते हैं, आज भी खीर बनते हैं, अब लोग को हमारा खीर के प्रसाद यहाँ ही है। अरे दाढ़ी मत ऐसा सुन से गोपी आई है, ये भी बड़े सुंदरी है। तो आप लोग सब वहाँ गेट के सामने जब जाओगे, वहाँ खीर पकौड़े हाथ हाथ में लेना, ढक्कन की ज्यादा मत करना, सबके लिए हमारा ठाकुर जी सारा रात जा करके बनाया, आप लोग को देंगे। अभी अभी हम यहाँ की कथा विश्राम दे, जय श्री राधे। हरे कृष्ण শুন এখন তো বাংলা হিন্দিতে শুনলেন, কিন্তু ইংরেজিতে বলে দি।